गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में सभी का स्वागत है। दोस्तों बिलासपुर आ गए हैं और गाड़ी के द्वारा खाली हो रहा है अपना। सुबह सुबह खाली जगह ठीक है, देखते हैं सुबह एक बार 9 घंटे खुलता है, अगर उसमें निकल गया तो ठीक है, तो फिर रात में निकलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, पहले भी गाड़ी खाली करवाते हैं, अभी फिर मिलते हैं। दोस्तों गाड़ी हमारा आधा खाली हो चुका और हम लोग को लग रहा था कि इसके अंदर कुरकुरे का पैकेट है, लेकिन देख सकते हैं इसके अंदर सब लेस का पैकेट है। देखिए दोस्तों, गाड़ी तो अनलोडिंग हो गया है और मेरा उस्ताद गया है रिसीविंग लाने के लिए, तो देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे। रिसीविंग उसी में मिलेगा तो फिर रायपुर तो जाने के लिए सोचे हैं हम लोग। यहाँ तो नो एंट्री लगा हुआ, तो ये सब गाड़ी के लिए तो 1:30 बजे बोलता था, लेकिन 1:30 बजे ये सब गाड़ी के लिए नो एंट्री नहीं खुलता है। रात को 11 बजे डायरेक्ट खुलेगा, तो रात को 11 बजे निकलेंगे। तो वही सोच रहे अभी क्या करेंगे, खाना पीना का व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग अभी। देखिए दोस्तों, अभी तो 3 बज गया है, तो अभी जा रहे हैं हम लोग खाना पीना बनाने के लिए। तो वही खाना बना रहे हैं, आलू गोभी का सब्जी, और कुछ भैया लोग मिलने आए हैं तो वही अभी आज का खाना आलू गोभी का सब्जी रहेगा और चावल रहेगा। ये दोस्तों देखिए, आलू डाल दिए अभी। आलू डालने के बाद एक थोड़ा इसको भूनेंगे, भूनने के बाद गोभी डालेंगे। देखिए तो दोस्तों, मेरा उस्ताद तो गए हैं रिसीविंग लेने के लिए, जहाँ खाली हुआ वहाँ से हम लोग थोड़ा 2-3 किलोमीटर में, मतलब पार्किंग में खड़ा है, तो गया है मेरा उस्ताद रिसीविंग लेने के लिए। तो वही हम अभी खाना बना रहे थे, आज चावल नहीं है, तो उस्ताद उधर से चावल लेके आएगा तब बनाएंगे। तो अभी सब्जी बना के रेडी कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, गोभी डाल दिए, मेरा उस्ताद भी आ गया, सब्जी बना रहे हैं, अब उसकी सब्जी बनाने के बाद चावल बनाएंगे। देखिए दोस्तों, सामान घटा हुआ था तो यही लाने के लिए गया था, तो आटा चावल और तेल है। दोस्तों अभी आ गए मेरा रिसीविंग लेकर के, और रिसीविंग सब मिल गया, सब कुछ ओके है। अब यहाँ पर सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि अब नो एंट्री है, तो नो एंट्री में रात को 11 बजे निकलेंगे यहाँ से। तब तक खाना वाना भी बन ही रहा था, हम तो चले गए थे उधर, तो खाना वाना रोहित बना रहा है। दोस्तों हमारा खाना बन रहा तो थोड़ा लेट ज़रूर हो गया। लेट होने के कारण क्या है कि सबसे पहले हम तो गाड़ी का देखते हैं कि गाड़ी मेरा लोडिंग अनलोडिंग पहले मेरा वही फोकस रहता है, तो मेन रोड पे ही खाली हो रहा था। तो मेरा भी प्लानिंग था कि नहीं, पहले गाड़ी खाली हो जाएगा, मेन रोड से हटा देंगे, जाम भी लग जाता है ना, तो उसके लेके थोड़ा लेट हो गया मेरा। तो अंदर आ गए अभी, अंदर में लगा दिए, खुला जगह है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर अपना खाना बन रहा आराम से, और उसके बाद अपना देखते फिर शाम में क्या होता है। दोस्तों खाना तो अपना बन गया है, आज का हमारा सब्जी है आलू गोभी, आज रोहित ने बनाया, हम थे नहीं गाड़ी में, और साथ में आज थोड़ा सा दही भी खाएंगे चावल के साथ हम लोग। ये देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा दही मीठा है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है इसके साथ में डाल करके। ये चावल थोड़ा गर्म है, अभी चावल उतरा ना, थोड़ा गर्म है। दही में थोड़ा सब्जी मिल करके चावल अच्छा लग रहा ना, चावल खाने में थोड़ा मीठा भी हो गया, थोड़ा नमकीन मसाला भी हो गया। दोस्तों हम लोग इंतज़ार करेंगे रात के 11 बजे तक नोटी खुलने का, 10 बजे खुल जाता है, लेकिन भीड़ भाड़ चलते नहीं जाएंगे, 11 बजे जाएंगे। रायपुर में ही जाना है, रायपुर में अपना थोड़ा बहुत काम भी है, और लोडिंग वोडिंग का देखना है कहाँ का मिल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि हर बार चेंज हो जाता है मेरा। ठीक है दोस्तों, खाना खाते हैं अभी। देखिए दोस्तों, अभी रात का शाम को 7 बज गया है, और कल तो हम लोग 2 बजे रात को, 2:30 बजे रात को वहाँ पर सोते, यहाँ पर खाली कर रहे थे अनलोडिंग, तो वहाँ पर सो गए थे, 2 बजे 2:30 बजे सोए थे। तो सब फिर सुबह हुआ तो खाली उली करके फिर खाना पीना अपना बनाए, खाए पिए, फिर हम लोग सो गए अभी। तो अभी 7 बज गया है दोस्तों, तो वही सोच रहे 11 बजे वाला नो एंट्री खुलेगा, तो इसमें निकलेंगे, फिर आज रात भर जाना पड़ जाएगा, काहे कि 100 किलोमीटर रायपुर है यहाँ से, तो आज जाना पड़ेगा रायपुर। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुका है, तो अभी हम लोग देखते हैं रात में 11 बजे नो एंट्री खुलेगा, उसी में निकलेंगे हम लोग। तो प्लानिंग हो रहा है अभी, अभी खाना वाना बनाते हैं या फिर देखते ढाबा पे खाएंगे, हो सकता है अगर पैसे टाइम पास हो गया तो बाहर निकल जाएंगे,
तो ढाबा पे ही आके खाएंगे, नहीं तो फिर अगर ऐसा मूड हो गया तो गाड़ी में बनाएंगे, तो बना सकते हैं गाड़ी में भी हम लोग अभी। तो जब देखते हैं पानी लाने गया है, पानी लेकर आता है, फिर जैसा प्लानिंग होगा वैसा करेंगे फिर हम लोग अभी। देखिए दोस्तों रात के 9 बज गया, तो खाना बना रहे हैं, आज का रोटी और सब्जी बनेगा। तो यही देखिए तवा नहीं रहने से कढ़ाई में रोटी बनाना पड़ता है। तो आप लोग तो कढ़ाई में देखे नहीं है कभी, तो आप लोग को दिखाते हैं कढ़ाई में रोटी कैसे बनाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों कढ़ाई में बनाने में तो दिक्कत होता है, मतलब रोटी बढ़िया से बनता नहीं है, फूलता नहीं है, थोड़ा मोड़ा फूलता है, तो वही तवा लेना पड़ेगा हम लोग को लिए। तो मजबूरी में मतलब यही काम लगता है, तो तवा लेना पड़ेगा। जाएंगे रायपुर में तवा ले लेंगे कल को, तो कल से मतलब तवा में रोटी बनाएंगे, कढ़ाई में नहीं बनाएंगे। दोस्तों रात का 10 बज चुका है, ये रोटी में तैयार हो गया, रोहित बना चुका है और हम जा रहे हैं आलू बैंगन सब्जी बनाने। दोस्तों जब तक इंतजार कर रहे हैं नो एंट्री का, तब तक अपना खाना ही बन जाएगा। तो आज का रात का हमारा खाना यही रहेगा, आलू बैंगन का सब्जी। दोस्तों खाना बनाते बनाते रात के 11 बज चुका है और नो एंट्री भी लगभग खुल गया है, तो हम लोग भी अभी खाना ना खाते हैं। ये देखिए आज का हमारा खाना आलू बैंगन और ये थोड़ा दही है, और ये खा में खा के निकलेंगे यहाँ से और उधर देखते हैं बाईपास में सोए जाएंगे, ढाबा पे सो जाएंगे, वहाँ से सुबह उठेंगे, फिर नहा धोवा के फ्रेश होकर के अपना जाएंगे वहाँ होटल पे जहाँ गोडाउन है वहाँ, फिर कल काम कराएंगे। ठीक है दोस्तों खाना खाते हैं अभी। दोस्तों खाना तो हो गया, नो एंट्री भी खुल गया लगभग, अब हम लोग भी निकलते हैं, ट्रैफिक वगैरह कम हो गया होगा। तो ठीक है दोस्तों निकलते हैं, देखते हैं फिर कहाँ रुकेंगे, अभी गारंटी नहीं है। पुल टैक्स भी बहुत अच्छा बन गया है, सब जगह पुल टैक्स में रुक सकते हैं कि ढाबा में रुक सकते हैं। दोस्तों रात का 1 बज चुका अभी और हम लोग सिमगा के आसपास में है, यहाँ से सिमगा थोड़ी दूर में है और बिहारी ढाबा यहाँ पर है, तो यहीं पर रुक गए हैं क्योंकि अपना शेड जो है ऐसे भी आता है 11 बजे, तो ये सोच रहे कि सुबह नहा धोवा के फ्रेश होकर इधर से ही जाएंगे। अच्छा जहाँ पर रुकते हैं गोडाउन में वहाँ तो है नहाने का, लेकिन फिर भी होटल में टंकी जो मिलता है उसका नहाने का अलग ही है। तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।